करीना कपूर बॉलीवुड की सबसे चर्चित और सक्सेसफुल अभिनेत्रियों में से एक है। इन दिनों वो अपने अपकमिंग फिल्म द बकिंगम मर्डर्स को लेकर सुर्खियों में है। मंगलवार यानी 3 सितंबर को फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला। आपको बता दें कि फिल्म में करीना पुलिस अफसर की भूमिका निभा रही हैं। द बकिंगम मर्डर्स हसन मेहता के साथ करीना कपूर की पहली फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिका निभाने के अलावा वो इसकी सह निर्माता भी हैं। अब करीना 13 सितंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के प्रमोशन में जुट गई। वहीं प्रमोशन के दौरान ये करीना के सामने शाहिद का नाम लिया गया तो एक्ट्रेस ने जो रिएक्शन दिया वो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि करीना द बकिंगम मर्डर्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुई थी। इसी दौरान जब करीना कपूर के सामने डायरेक्टर हंसल मेहता की फिल्म शाहिद का जिक्र हुआ तो एक्ट्रेस हैरान रह गईं। करीना ने शाहिद नाम सुनकर रिएक्ट किया कि वहाँ मौजूद लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म शाहिद 2012 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील शाहिद आजमी पर आधारित थी, जिनकी 2010 में हत्या कर दी गई थी। फिल्म में राजकुमार राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म का जिक्र करते हुए एक पत्रकार ने हंसल मेहता से सवाल पूछा कि फिल्म के प्रमोशन पर मौजूद पत्रकार ने कहा, हमने आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, आपने शाहिद जैसी फिल्म बनाई जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, ये जो मर्डर मिस्ट्री है उसमें भी बहुत सेंसिटिव इश्यूज जुड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने शाहिद का जिक्र किया। तो इन दिनों को स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के लेवल पे कितना डिफिकल्ट था। इस सवाल को सुनने के बाद करीना कपूर ने अजीब सा रिएक्शन दिया। अब ये रिएक्शन देखकर वहां पर सभी लोग चौंक गए और किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। इसी के बाद करीना कपूर का ये रिएक्शन वायरल हो रहा है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।